डायरेक्ट बोर वाला पानी नहीं गा, स्पैशल फिल्टर किया, सात स्टेजा विचों गुजर के आता पानी। तुम उधर भी पहला दिखाया, वो टैंकर लगा पिया, फिल्ट्रेशन हो रही है। तुम देख सकते हो बकायदा जिहड़ा किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, देखो सहूलत, तुसी हर तरह के नारे छोटे तो छोटे निशाना के उपर लिखे हुए। कई छबील लाउणी होवे शरबत बना के पा के तो वही पैक करके लाई दे। जाने के जिहड़े किसान ने वो अपना हल लभ ही लेंदे आ, इहदे विच शरबत पाउंदे ने ते अगे पैकिंग करके जिहड़ा लै जांदे ओह ही लै जांदे शरबत, अगे जिद्दां मतलब छबील लाउंदे आ संगत नूं बताउण वास्ते भी लै जांदे। जिहड़ियां इंप्यूरिटीज होंदियां, कई अशुद्धियां होंदियां जिहड़ियां शरीर लई हानिकारक ना, वह जिन्या भी सत्त स्टेज आ, रिजर्व ऑसमोसिस आ, सैवन स्टैप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, यूवी ट्रीटमेंट, ये सारिया सत्तां स्टेजा विचों पानी गुजर के जो आ जिन्या भी इंप्यूरिटीज जिहड़े तत् साडे शरीर लई हानिकारक आ, बैक्टीरिया जो कुछ भी आ, वो सारा कुछ निकल जाता, पानी शुद्ध हो के आ। जिन्ने फिल्टर वीर नूं मैं कहूँगा दिखा दिओ, तो शुद्ध हो के आउंदा पानी, तो सेहत वास्ते साफ सुथरा वधिया पानी आ। चीज़ लिखी भी हुई है बड़े मोटे अक्षरां दे विच जिथे फ्री ऑफ कॉस्ट नाल, ये भी सुनेहा दिता कि पानी नूं बचाओ जिंदगी वास्ते बहुत जरूरी है, ये तो बिना साडा सरना नहीं गा, जरूरत दे अनुसार वरतो, ये नहीं भी फड़ के बैठ रहे चक के सिटी जाइए जिदा बोतल सिटी जाइए आप, भी बचाने की भी लोड़ है। बाकी किसान मजदूर एकता जिंदाबाद का नारा भी दिता, पानी पीऊगा तो उन्होंने किसानों की भी याद आऊगी, ना चाहे कोई बाहरला वीर है चाहे कोई भी है, भी बहुत सोहना उपराला इन्हों का, शलाघा जो कदम है इन्हों। किसान बार्डर के उपर अपना फर्ज निभा रहे ने, उहदे नाल दी नाल कीड़ी सहूलत है जिहड़ी लंगरां वाले बाबिया ने किसानां नूं ना दित्ती होवे। जदों असी सियालां की गल करते हैं तो सियालां दे विच भी वक्खरे प्रबंध सन, गर्मी आई गर्मियों के विच भी वक्खरे तरह के प्रबंध किए गए, वड्डे वड्डे कूलर तुसीं लगे वेखे होणगे, इहदा मतलब भी किसानां ने पक्के तौर दे उपर रहण दा मन बनाया होया है। चाहे पहला 6 महीने रहण दीआं गल्लां सी, जदों हुण संघर्ष लम्मा हो गया ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਲਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਂਕਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਓ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਜੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਰਓ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹ? ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਮੁਰਥਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਂਕਰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਇਆ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜ
जिहड़ा हैगा वो बड़ी तुहानू भी राहत मिले होगी क्योंकि एकदम सेवा करदे नू फैक्ट्रियां वल नू भजना पैंदा सी। हाँ जी हाँ जी, होर भी वारू अगों भी आ गए जिहड़े पानी मतलब वरताउण वास्ते लैंदे आ, कई छबील लाउणी होवे शरबत बना के इहदे विच पा के ते उह वी पैक करके लैंदे। अच्छा, जाने कि जिहड़े किसान ने उह अपना हल लभ ही लैंदे आ, इहदे विच शरबत पाउंदे ने ते अगे पैकिंग करके जिहड़ा उह लै जांदे, उह वी लै जांदे शरबत अगे जिद्दां मतलब छबील लाउंदे आ संगत नू वरताउण वास्ते वी लैंदे। इक इहदे उत्ते किसानां दा लिखिआ जी, बिल्कुल आ तुसीं देख सकदे हो बकायदा जिहड़ा किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, देखो सहूलत तुसीं हर तरह के नारे छोटे तो छोटे निशाना दे उपर लिखे हुए बैज भी बन गए ने, इतों तक कि पगों के उपर लाने लई जिहड़े ने उह वड्डे वड्डे जिहड़े ने रुमाल जिहड़े मूँह के उपर बन्नण दे लई करोना तो उहदे उपर भी किसान मजदूर एकता लिखिआ। आपां इंज कह सकदे हां भी हर एक चीज़ के उपर जिहड़ी है किसान मजदूर एकता दीआं जिहड़ीआं गल्लां हुंदीआं ने। गल्लबात करदे हां, तुसीं जी देख रहे हो पाणी किहड़ी किहड़ी सुविधा इहदे उपर की चीज़ां लिखीआं वीर जी? एक तो बाबा जी का बहुत सोहना उपराला भी उन्होंने ये सेवा जी शुरू की है, बाकी ये कोई डायरैक्ट बोर वाला पानी नहीं गा, स्पैशल फिल्टर किया, सत्त स्टेजा गुजर के आता पानी, तुम उधर भी पहला दिखाया वो टैंकर लगा पाया फिल्टरेशन हो रही है, सत्त स्टेजा चो निकल के आता, पहला सैंड ते कार्बन फिल्टर लगे हुए ने, जिहड़ियां इंप्यूरिटीज होंदियां कई अशुद्धियां होंदियां जिहड़ियां शरीर लई हानिकारक है ना, वो जिन्नियां भी सत्त स्टेज आ रिजर्व ऑसमोसिस आ सैवन स्टैप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूवी ट्रीटमेंट ये सारियां सत्तां स्टेजा विचों पानी गुजर के जो आउंदा उस जिन्नियां भी इंप्यूरिटीज जिहड़े तत्त साडे शरीर लई हानिकारक है बैक्टीरियाज जो कुछ भी आ ना वो सारा कुछ निकल जाता, पानी शुद्ध हो के आ जिन्ने फिल्टर वीर नूं मैं कहूँगा दिखा दिओ तो शुद्ध हो के आउंदा पानी तो सेहत वास्ते साफ सुथरा वधिया पानी आ। मुबारक इन्होंने बहुत सोहना उपराला किया, एक चीज़ लिखी भी हुई है बड़े मोटे अखरों के जिथे फ्री ऑफ कॉस्ट नाल ये भी सुनेहा दिता कि पानी नू बचाओ जिंदगी वास्ते बहुत जरूरी है, ये तो बिना साडा सरना नहीं गा, इहनू वेव सेव वाटर जरूरत के अनुसार वरतो, ये नहीं भी फट के बैठ दे चक के सिटी जाइए जिदा बोतलां सिटी जाइए आप भी बचाने की भी लोड़ है, बाकी किसान मजदूर एकता जिंदाबाद का नारा भी दिता जिहड़ा भी देख लें हरियाणा पंजाब भाई भाई हरियाणा तो पंजाब ने ज़्यादा तक पाई लगती है पानी पीऊगा तो उन्होंने किसानों की भी याद आऊगी नाल चाहे कोई बाहरला वीर है चाहे कोई भी है, भी बहुत सोहना उपराला इन्हों का शलाघा योग कदम है इन्हों का। देख लो तुम इस सामने जी सहूलत लोड़ सी इस चीज़ की फैक्ट्रिया के पानी लैके आना समा खराब करना सरमाया पैसा अपना खराब करना, पर अज एड्डी वीड्डी जी सुविधा तुम देखो भी किसान जोड़े वीर ने जिम्मे आप पहला भी गल करते हैं भी जुगाड़ तो लाई लेंगे ने जिम्मे ये हूँ टैंकर के पानी भर लिया तो ये नाल है जोड़ा ये नाल शरबत घोल लेंगे ने शरबत घोल के बकायदा जी पैकिंग करके वो लै जाते हैं है ना, मतलब भी हर तरह की जे इत सुविधा मिल गई है तो लौंग टाइम इतने रहने के लिए प्रबंध पूरे हो चुके हैं, हर तरह का खाना दाना गुरु के लंगर लस्सी पानी का प्रबंध हो गया है ना, दही का प्रबंध हो गया, दुध के प्रबंध हो गए, हरियाणे तो दुध बहुत आ रहा उहदे नाल दी नाल इदां दीआं सुविधावां भी जिहड़ीआं दित्तीआं जा रहीआं ने जिथों पता लगता भी आने वाले समय के किसान लौंग टाइम इत्थे डटे रहणगे ते शांतमई ढंग दे नाल प्रोटेस्ट करदे रहणगे। तुसीं देख रहे हो सुरखाब टीवी, मैं अमरप्रीत सिंह गुजरवाल।